अल्लाहम वीवर्स वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल गाइज आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है कैपिटल मार्केट एंड इट्स टाइप्स सो so, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके सो so, वीडियो स्टार्ट करते हैं वॉट इज़ कैपिटल मार्केट गाइज कैपिटल मार्केट एक फाइनेंशियल प्लेस है जहाँ बायर एंड सेलर बाय एंड सेल कर रहे होते हैं फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ को लाइक बॉन्ड्स एंड स्टॉक कैपिटल मार्किट को कंसिडर किया जाता है एक डिजिटल इस्पेस जहाँ वेरियस ऑर्गनाइजेशन या कंपनीज ट्रेड कर रही होती हैं डिफरेंट फाइनेंशल इंस्ट्रूमेंट को गाइज कैपिटल मार्किट फॉरन मार्किट की ही टाइप होती है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी कंपनी को पैसों की नीड होती है फॉर लॉन्ग टर्म पीरियड तो वो कंपनी कैपिटल मार्किट की तरफ मूव कर जाती हैं और अगर कंपनीज को शॉर्ट टर्म बेसिस पे पैसों की ज़रूरत होती है तो वो मनी मार्केट की तरफ मूव कर जाती हैं लॉन्ग टाइम पीरियड से मुराद ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जिनका टाइम पीरियड फाइव टू टेन इयर्स या उससे ज़्यादा का होता है और जब कंपनी ऐसे लॉन्ग टर्म लोन्स ले रही होती है सो तो वो इनके पेमेंट भी उसी हिसाब से कर रही होती हैं डिले बेसिस पे इसी लॉन्ग टर्म बेसिस पर वो पेमेंट कर रही होती हैं और लॉन्ग टर्म प्रोग्राम्स को अवेल कर रही होती हैं थ्रू कैपिटल मार्केट देन कैपिटल मार्केट में जाके लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ कंपनी इशू करने लगती है और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो उसको बाय करने लगते हैं कंपनीज की सिक्योरिटीज़ को जब कंपनीज़ की सिक्योरिटीज़ लोग बाय करने लगते हैं तो कंपनीज के पास पैसा आने लगता है और कंपनी इस पैसे को अपने गिवन प्रोजेक्ट में लगा रही होती हैं लोग भी इसलिए बाय कर रहे होते हैं इनकी सिक्योरिटीज़ क्योंकि उनको फ्यूचर में कुछ प्रॉफिट या बेनिफिट मिल रहा होता है गाइस कैपिटल मार्केट इंक्लूड स्टॉक मार्केट एंड बॉन्ड मार्केट एंड स्टॉक मार्केट आल्सो इंक्लूड प्रीफर्ड शेयर्स एंड कॉमन शेयर्स और बॉन्ड मार्केट इंक्लूड डिबेंचर्स इसके बाद गाइस हमारे पास आ जाती हैं टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट कैपिटल मार्केट को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर रहे होते हैं फर्स्ट इज़ प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंड इज सेकेंडरी मार्केट प्राइमरी मार्केट हमारी न्यूली इशू मार्केट होती है वो मार्केट होती है जहाँ डेट्स एंड स्टॉक एंड शेयर्स फर्स्ट टाइम इशू हो रहे होते हैं ये शेयर्स या बॉन्ड गवर्नमेंट या किसी प्राइवेट कंपनी के भी हो सकते हैं इसको न्यू ईशूज़ मार्केट भी कहा जाता है इसमें इन्वेस्टर डायरेक्ट बाय कर रहे होते हैं कंपनी से फर्स्ट टाइम शेयर्स एंड बॉन्ड्स इसमें परचेज हो रहे होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिक्स्ड प्राइस इसके बाद अगर हम बात करें सेकेंडरी मार्केट की तो सेकेंडरी मार्केट वो मार्केट होती है जहाँ डायरेक्ट शेयर्स स्टॉक बाय एंड सेल हो रहे होते हैं सेकेंड टाइम इस मार्केट को आफ्टर मार्केट भी कहा जाता है यहाँ ट्रेडिंग दो इन्वेस्टर्स के दरमियान हो रही होती है कंपनी से नहीं होती यहाँ पर यहाँ प्राइस शेयर एंड स्टॉक के चेंज होती रहती हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इसके अलावा गाइस अगर हम यहाँ भी देखें तो प्राइमरी मार्केट में न्यूली इशूड बॉन्ड्स हमारे होते हैं और न्यूली इशूड इक्विटीज मीन्स शेयर हो रहे होते हैं इनिशियली जो ऑफरिंग हो रही होती है वो प्राइमरी मार्केट में हो रही होती है सेकेंडरी मार्केट में जब वो इनिशियल ऑफर होने के बाद वो सेकेंडरी मार्केट में शेयर्स एंड बॉन्ड्स इंटर हो जाते हैं और फिर उनकी बाइंग एंड सेलिंग सेकेंडरी मार्केट में हो रही होती है बिटवीन इन्वेस्टर्स सो गाइस उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा मिलते हैं अगली वीडियो के साथ अल्लाह हाफिज़